हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इसका 10 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट होता क्या है। तो पहले अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शंस इन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि यदि आप नंबर्स को या फंक्शंस को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हो या स्क्वायर अरेंजमेंट करते हो तो उसे आप कहोगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो इसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1, 2, 4, 5, 3, -1, ये हो गए स्टूडेंट इसके एलिमेंट्स, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर आपकी शेप हो गई, स्क्वायर शेप भी हो सकती है, ठीक। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड है और उसे शो करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से। और स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा जाता है वो होता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये होती है रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ये होती है रो, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ये होती है कॉलम। और ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट रो इनटू कॉलम ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट 2 रो हो गई और 3 इसमें कॉलम्स हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ऑर्डर क्या हो गया इसका 2/3। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया जिसमें आप मैट्रिक्स को शो करोगे, अंदर जो लिखोगे वो सब कुछ इसके एलिमेंट्स होंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन्स होंगी वो इसकी रो होंगी, और जो वर्टिकल कॉलम वर्टिकल होंगे ये इसके कॉलम्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो रो को शॉर्ट फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है, और कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में हम शो करेंगे सी से, राइट। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है तो हम इसको शॉर्ट में दिखाएंगे R1 यानी फर्स्ट रो, सेकंड है तो हम शो करेंगे R2, ठीक है स्टूडेंट। कॉलम है तो C1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड है तो C2, इस टाइप से हम करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा जाता है वो होता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम को क्या कहते हैं उसका ऑर्डर, ठीक है। तो स्टूडेंट एक होता है रो मैट्रिक्स, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि जिस मैट्रिक्स में केवल रो ही होती है, एक ही रो होती है, उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया इसको ए से, और एलिमेंट्स ले लिया आपने इसमें 2, 4, तो इसमें ये आपका रो मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? यस, इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट 1/2, यानी 1 क्या है इसकी रो, 2 क्या है इसके कॉलम। ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई, ठीक है स्टूडेंट। ये हॉरिजॉन्टल होती है ये रो होती है, और जो वर्टिकल होते हैं ये इसके कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में केवल कॉलम ही होते हैं उसे कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स हो गया, रिप्रेजेंट किया इसको बी से, यहां पे आपने लिया 1, -1 एंड 0, तो ऑर्डर क्या हुआ स्टूडेंट इसका 3/1, राइट। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। अरे भाई देखिए, ऑर्डर में स्टार्टिंग क्या होती है रो, ठीक है ना, और पीछे क्या होता है कॉलम। अब बताइए इसमें कॉलम कितना है, 1 है ना, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इस वाले में देखिए ये है इसकी रो और ये है इसका कॉलम, तो रो कितनी है इसमें, 1, तो रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट की, मैंने अभी आपको बताया था ऑर्डर। तो यदि ऑर्डर में क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। यदि रो इंटू कॉलम सेम है तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे 2x2 हो गया, 3x3 हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, 2 -1 4 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, 2x2 राइट, 2 रो 2 कॉलम, स्टार्टिंग रो होती है ना, तो ये रो ये कॉलम। यदि रो और कॉलम दोनों सेम हो जाते हैं, यानी रो इक्वल हो जाती है कॉलम के, तब हम उसको कहते हैं स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3x3 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स बी, ठीक है स्टूडेंट, 1 -1 0 2 1 4 -1 0 7, ये 3x3 का ऑर्डर हो गया। क्या हो गया ऑर्डर, 3x3। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि जितनी रो है उतने ही कॉलम आ रहे हैं, इसलिए ये हो गया स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स होता है कि स्टूडेंट यदि किसी मैट्रिक्स में केवल डायगनल वाले नंबर ही हों, इसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, तो उसे कहेंगे हम डायगनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट, 1 0 0 0 4 0 0 0 3, इसका ऑर्डर हो गया 3x3 का। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें केवल डायगनल के नंबर ही हैं, ये डायगनल है, केवल ये ही नंबर है, और अदर एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, जीरो, तो ये हो गया हमारा डायगनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है स्टूडेंट हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है कि जो डायगनल मैट्रिक्स है, तो डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल वाले नंबर है, और यदि ये डायगनल वाले नंबर सेम होते हैं तो वो होता है फिर हमारा स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स डी, ठीक है सुन, 2 0 0। अब इसमें देखिए जो डायगनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका, 2x2। अब इस डायगनल मैट्रिक्स में आप देख रहे हो केवल डायगनल के नंबर ही हैं, और वो भी इक्वल हैं, तो ये होता है हमारा फिर स्केलर मैट्रिक्स। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट कि यदि किसी मैट्रिक्स में डायगनल वाले नंबर हैं और वो डायगनल वाले नंबर 1 है, ठीक है, तो वो फिर हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये आपका मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, 1 0 0 1, 2x2 का ऑर्डर है इसका। अब देखिए ये डायगनल मैट्रिक्स है और डायगनल वाला नंबर केवल 1 है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 में भी हो सकता है, यदि 3x3 का बनाए तो 3x3 का इस तरह से बनेगा, देखो ऑर्डर हो गया 3x3, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया बी से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो डायगनल वाले नंबर ही है ना, और 1 1 1 है, तो ये हो गया स्टूडेंट फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं स्टूडेंट हम जीरो मैट्रिक्स पे। तो यदि किसी मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो वो फिर हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया 0 0 0 0, ऑर्डर क्या हो गया 2x2, तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड द
जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। तो नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ये मैट्रिक्स 3x3 की फॉर्म का होगा, ठीक है ना, क्या होगा 3x3 की फॉर्म का, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया हमने ऐसे, तो इसमें ट्रायंगुलर बनेगा, जैसे 4, 5, 7, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा 4, 5, 7, और फिर आ रहा है स्टूडेंट इसमें, यस स्टूडेंट, तो ये मैट्रिक्स है, तो नंबर लिए अपने 4, 0, 0, 2, 5, 0, 7, 1, -1। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना इसमें, देखिए अदर एलिमेंट्स तो जीरो हैं, केवल ट्रायंगल वाले नंबर्स ही हैं, देखिए इस टाइप का एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है ना, देखो ये देखिए, और अदर तो जीरो है, इसलिए ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा अपर, अपर वाले में क्या बनेगा कि ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट्स ही होंगे बट अपर से होंगे स्टूडेंट, जैसे रिप्रेजेंट किया इसको, ये तो लोअर तो हो गया हमारा, अपर है, अपर वाले में 4, 1, -1, 2, 3, 0, ठीक है स्टूडेंट, एंड 1, 0, 0, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ट्रायंगुलर बन गया आपका, बन गया ना ट्रायंगुलर, तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट इसका 3x3। स्टूडेंट ध्यान देना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर 3x3 चलेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है फिर आता है स्टूडेंट हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इक्वल मैट्रिसेस होते हैं यदि आपके पास टू मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तब आप उनको कह सकते हो इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए ऑर्डर है 2x2 का, 1, -3, 4, 2, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी सेम ऑर्डर है 2x2 का, 1, -3, 4 एंड 2। तो स्टूडेंट आप यहां देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर भी सेम है, तब आप कह सकते हो इसको इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। और इक्वल मैट्रिक्स को शो करते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, क्लियर। उसके बाद आइए एडिशन। स्टूडेंट आप टू मैट्रिक्स को मैट्रिसेस को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास यही मैट्रिक्स है, क्लियर स्टूडेंट, यही मैट्रिक्स है, इक्वल हो गया आपका, एडिशन दे रहे। अब आपको करना है ए प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है आपको ऐड करना है। तो स्टूडेंट इसमें ऐड होगा आपका, ये है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, तो इसके साथ ये ऐड होगा, यानी 1+1, ठीक है स्टूडेंट, और इस वाले के साथ ये ऐड होगा, यानी -3+-3, 4 वाले के साथ 4 ऐड होगा, 4+4, और इस वाले के साथ ये ऐड होगा, 2+2, ऑर्डर वही रहेगा आपका 2x2 का जो पहले था, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, 8, -6 एंड 4, ऑर्डर वही रहेगा 2x2 का। तो स्टूडेंट आप टू मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, बट ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका सेम होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसी तरह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन में क्या कर देंगे, वो इस तरह कर देंगे मैट्रिक्स ए माइनस बी, यानी ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, इसी तरह होगा स्टूडेंट,
सिर्फ यहाँ पे एडिशन में प्लस किया था मैंने, सब्ट्रैक्शन में क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और जिसका रोल इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है वो है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये है आपके पास 2, -1, -2 एंड 3, ऑर्डर क्या होगा इसका 2 by 2। अब स्टूडेंट आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप बनाना चाहते हैं 2a, स्केलर नंबर कौन है 2 और मैट्रिक्स क्या है a, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स की ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 से, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो फिर हो जाएगा आपका 2a। जैसे देखिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये करेंगे तो -2, फिर इसे करेंगे तो -4 और इसे करेंगे तो 6, तो ये 2a हो गया। इसी तरह स्टूडेंट आप -3a भी कर सकते हो, -3 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, -3 हो जाएगा। 5a कर सकते हो तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k into a कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, k क्या है स्केलर नंबर है ना, तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई द स्केलर नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो स्टूडेंट्स आई हैव नॉट डाउन 2 मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर स्टूडेंट 2 by 3, रोज कितनी है इसमें 2, फर्स्ट सेकंड, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, इसमें रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2, तो ये हो गया 3 by 2 का ऑर्डर। अब स्टूडेंट सबसे पहला मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी, ठीक है स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लिखेंगे ए बी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो फर्स्ट, देखो इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है, ए बी और बी ए ये दोनों अलग अलग होते हैं, ए बी और ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ऐसा नहीं होता है। इसमें पहले मैट्रिक्स ए है फिर मैट्रिक्स बी है, इसमें पहले मैट्रिक्स बी है फिर मैट्रिक्स ए है, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ऑर्डर का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। तो ए बी में पहले कौन आएगा, ए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये आपका ए है ये आपका बी है, तो स्टूडेंट इसका जो कॉलम है राइट और इसकी जो रो है ये सेम होनी चाहिए, यानी इसका कॉलम और उसकी रो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आप उसका मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा, यानी जो मैट्रिक्स आपका निकलेगा उसका ऑर्डर आपका बचेगा, ये क्या बचा स्टूडेंट 2 और ये क्या बचा आपका 2, तो उसका ऑर्डर होगा आपका 2 by 2। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा उसका बचा हुआ, यानी ये 2 और वो 2, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये है आपका 1 -1, ध्यान देना स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का 70% पार्ट कवर करता है, ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, 2, -1, 1, 5 एंड -4। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं, है ना। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई में क्या होता है कि
इसकी तो रन करती है, इसकी तो यहां से तो चलते हैं हम रो पे, किस पे चलते हैं रो पे राइट, और यहां से हम चलेंगे कॉलम पे, कैसे, यानी कि ये रो चलेगी ये कॉलम चलेगा, यानी वन मल्टीप्लाई होगा टू से, तो वन टू जा टू प्लस माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वन हो गया, माइनस माइनस प्लस वन वन जमा टू फाइव जा टेन। तो स्टूडेंट जब तक ये रो और ये कॉलम कंप्लीट नहीं होगा ठीक है, तब तक आपका ये वन स्टेप बनेगी। अब आइए सेकंड पे, यानी अब ये रो चलेगी और ये कॉलम चलेगा ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो टू जा जीरो, थ्री को मल्टीप्लाई करो माइनस वन से सो माइनस थ्री, और फोर फाइव जा ट्वेंटी ठीक है स्टूडेंट। अब आइए आप सेकंड वाले कॉलम पे, तो वन सेवन जा सेवन माइनस वन, वन जा माइनस वन, माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट में ले लाऊंगा, एंड टू मल्टीप्लाई माइनस फोर तो ये हो गया माइनस का एट ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाइए सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो जीरो सेवन जा जीरो, थ्री वन जा थ्री, फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस का सिक्सटीन, तो ये हो गया आपका ऑर्डर टू बाई टू का, तो आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट थर्टीन सेवनटीन माइनस टू माइनस का थर्टीन ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया आपका टू बाई। तो ये होता है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। वापस से मैं बताया था स्टूडेंट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे ठीक है, और जो मल्टीप्लाई के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इसकी क्या बची रो और उसका क्या बचा कॉलम, तो यानी टू बाई टू का आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो आती है ये फर्स्ट कॉलम आता है तो ये लाइन बनती है, इसकी फर्स्ट रो आती है इसका फर्स्ट कॉलम आता है तो ये लाइन बनती है ठीक है स्टूडेंट, इसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आता है तो फिर ये लाइन बनती है राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आता है तो ये लाइन बनती है, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम आता है तो ये लाइन बनती है ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, तो स्टूडेंट किसी भी तरह की यदि आपको कोई भी शेयर करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करूंगा। ओके स्टूडेंट गुड बाय।